हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 3 के बारे में डिस्कशन करेंगे। यूनिट 3 का टाइटल है इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस एंड पब्लिक बिल्डिंग। हमारे जो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है और पब्लिक बिल्डिंग है, वहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन में किस प्रकार बेसिक चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, उसके बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस सेशन स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरटेक इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। आप जब इस यूनिट को पूरा पढ़ोगे, पूरा समझोगे, तो आपको बेसिक चीज़ों का ख्याल आएगा, और जब आप फील्ड में इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो कुछ समय की प्रैक्टिस के बाद में आप लोग पब्लिक बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन को एग्जीक्यूट कर पाओगे। वो प्रोसेस को पूरा आप ऑब्जर्वेशन कर पाओगे, सुपरवाइज कर पाओगे, इस प्रकार आप यहाँ पर काम करोगे। हम पहले देखेंगे कंपैरिजन ऑफ कमर्शियल एंड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। यहाँ पे आप बेसिक चीज़ समझिए, कमर्शियल का मतलब हमने आगे बताया था कि जहाँ पे पैसा कमाना हमारा एम है, जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग का, जब वहाँ पे जो भी रहते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, उनका एम है पैसा कमाना। और डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक में जो भी रहता है उसका काम है टू लिव अ लाइफ। डोमेस्टिक में हम जिंदगी जीने के लिए रहते हैं, और कमर्शियल में हम पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। तो दोनों में हमारे एम अलग हैं। तो दोनों में इलेक्ट्रिफिकेशन में हम किस प्रकार ख्याल रखते हैं वो हम देखेंगे और कंपेयर करेंगे। हाउ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग डिफर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग। बेसिक चीज़ है कि हमारा जो कमर्शियल बिल्डिंग का इलेक्ट्रिफिकेशन है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग से किस प्रकार अलग पड़ता है, तो हम देखेंगे। पावर रिक्वायरमेंट फॉर कमर्शियल बिल्डिंग इज़ ग्रेटर देन 6 किलोवाट। एक बात समझ लीजिए कि 6 किलोवाट से अगर ज़्यादा ही पावर रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि कमर्शियल है, वहाँ पे बहुत सारा लोड आएगा, तो उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, लाइटिंग लोड हो या पावर लोड हो, तो उस लोड की वजह से आपका पावर रिक्वायरमेंट 6 किलोवाट से ज़्यादा हो जाएगा। और रेजिडेंशियल में हमको पता है कि अप टू 6 किलोवाट हम सिंगल फेज देते हैं। रेयर केस में रेजिडेंशियल में 6 किलोवाट से ऊपर जाता है, जहाँ पे हमको 3 फेज देना होता है। कमर्शियल बिल्डिंग में हम बात करेंगे कि 3-phase 4-wire बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज। जहाँ पे भी आप 3 फेज यूज कर रहे हैं, एक बात को अच्छे से समझ लीजिए, देर इज ऑलवेज 3 फेज बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तीनों फेज पे एक सा इक्वल लोड आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेट अस से फॉर एग्जांपल, अगर 30 किलोवाट लोड है, तो हर फेज पे 10 किलोवाट लोड आप रहेगा, ऐसे डिजाइन करोगे उसको कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए। या फिर कहीं डोमेस्टिक में भी कर रहे हो सिंगल 3 फेज के लिए, तो वहां भी आपको ये ख्याल रखना है। और रेसिडेंशियल में ज़्यादातर हम लोग सिंगल फेज 230 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज़ करते हैं। हम लोग सब सर्किट बनाते हैं रूम वाइज, और हम लोग सिंगल फेज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कमर्शियल में अगर पावर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 100 किलोवाट से ज़्यादा, तो आपको सेपरेट सब स्टेशन चाहिएगा। तो ये एक बड़ी बात है कि आपको जब कमर्शियल की आप बात कर रहे हो, आपका पावर रिक्वायरमेंट 100 किलोवाट से ज़्यादा है, तो आपको वहाँ कैंपस में ही सेपरेट सब स्टेशन मिलेगा, आपके लिए अलग से प्रोविज़न किया जाएगा, पावर सप्लाई कंपनी आपको अलग से सब स्टेशन देगा। नो नीड ऑफ सेपरेट सब स्टेशन। हमारे घर के लिए कभी भी हम लोग अलग सब स्टेशन रिक्वायर नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर सोसाइटी का है कोई, वहाँ का लोड लेट अस से के 100 किलोवाट से ज़्यादा है, तो उस केस में सोसाइटी का जो टोटल लोड होगा उसके अकॉर्डिंगली, 100 किलोवाट से अगर ज़्यादा लोड है, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो वहाँ पे सब स्टेशन पूरी सोसाइटी का आएगा, लेकिन हर एक घर के लिए अलग से सब स्टेशन नहीं आता। स्पेशल अरेंजमेंट इज डन फॉर फ्यूचर एक्सपेंशन। कमर्शियल है, आपको हमेशा बढ़ते रहना है, आपको प्रोग्रेसिवली काम करना है, तो इस वजह से आपको फ्यूचर एक्सपेंशन को कंसिडर करना रहेगा। और रेसिडेंशियल में हम लोग कभी भी सब सर्किट डिज़ाइन करते हैं, तो एक या दो सब सर्किट एक्स्ट्रा रखते हैं, बहुत ज़्यादा हम लंबा नहीं सोचते, क्योंकि वहाँ पे हमको ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना है। कमर्शियल के लिए हमारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी कोड और नेशनल बिल्डिंग कोड दोनों को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि आपको नेशनल बिल्डिंग कोड में पब्लिक सेफ्टी का खास ख्याल रखना है। और आई रूल्स हम जनरली रेसिडेंशियल में हम फॉलो करते हैं, जिसके बारे में हमने यूनिट 5 में पढ़ा था। और प्रोविजन ऑफ फायर अलार्म एंड स्मोक डिटेक्टर एंड इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम आर डन।
आप एक बात समझिए, कमर्शियल में बहुत सारी पब्लिक आएगी, बहुत सारे लोग आएंगे, तो आपको फायर अलार्म है, स्मोक डिटेक्टर है वगैरह वगैरह, इमरजेंसी सप्लाई है, आपको रखना पड़ेगा, तभी आप उसको सक्सेसफुली रन कर पाओगे और अच्छे से आपको जो एम है, आपका जो इंटेंशन है टू कमर्शियलाइज और टू ऑन समथिंग, तो वो आपको कमर्शियल में अगर फुलफिल करना है तो आपको सारे फैसिलिटीज क्रिएट करने होंगे जिससे पब्लिक कमर्शियल बिल्डिंग की तरफ आ जाए। और रेजिडेंशियल में हमको कोई स्पेशल प्रिकॉशंस नहीं लेने होते हैं, जो रूटीन प्रिकॉशंस है आई के अकॉर्डिंग वही हम लोग लेते हैं। आई रूल्स फॉर कमर्शियल बिल्डिंग, हम लोग देखेंगे कि कमर्शियल बिल्डिंग में किस तरह के आई रूल स्पेशल होते हैं, हमको क्या एडिशनली फॉलो करना रहता है। आपको एग्जाम में पूछेंगे राइट आई रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, तो आपको इस प्रकार लिखना है, एज पर आई रूल 1910 एंड 1956, परमिशन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर इज टेकन बिफोर एनर्जाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रिफिकेशन। आपने इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया लेकिन उसको एक्चुअली आपको रन करने से पहले, एक्चुअली उसके उसका यूसेज करने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन आई रूल्स के अकॉर्डिंगली लेनी पड़ती है, अदरवाइज आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, वो अनऑथोराइज रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है वो क्यों चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है कि आप कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, उसमें पब्लिक बहुत सारी आएगी, अलग अलग तरह के लोग आएंगे, तो काफ़ी सारी पब्लिक जब इकट्ठा हो जाती है कोई कैंपस में कोई बिल्डिंग में, तो वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी के प्रिकॉशन होने ज़रूरी है, तो जहाँ वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट ना हो, इस वजह से वो सारा वेरिफिकेशन कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर करेगा, और वो आपका इलेक्ट्रिफिकेशन अप्रूव करेगा अगर सही है तो तभी आप उसको यूज कर पाओगे। तो ये फर्स्ट रूल है। कटआउट और आइसोलेशन स्विच इज कैप्ट बाय सप्लायर कंपनी एट कंज्यूमर एंड, हमेशा कोई भी सप्लाई होता है पावर सप्लाई कंपनी के किट एंड पे ही रहता है, तो जो कटआउट वहां रहता है ये एक रूल है। फॉर मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज डेंजर नोटिस इज प्रोवाइडेड इन इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज। आप जहाँ भी किसी एरिया में रह रहे हो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में नोटिस रखना बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं जगह गुजराती में देखा होगा खतरो, ऐसा खोपड़ी वाला निशान होता है और वहाँ पे डेंजर लिखा होता है, और काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन है जो लोकल लैंग्वेज में भी लिखी रहती है, जिस वजह से लोकल जो बंदा है वो उससे यूज्ड हो जाए कि यहाँ पे 440 वोल्ट है, यहाँ पे हमको जाना नहीं है, तो इस वजह से काफ़ी जो वोल्टेज लेवल है सारे वोल्टेज लेवल को डिनोट किए होते हैं वहाँ पे, डेंजर नोटिस अलग वर्ड्स में लिखी हुई होती है, तो जिस प्रकार जो आम आदमी है जो कॉमन मैन है वो कॉमन मैन उसको समझ पाए और उसके लिए वो यूज टू हो जाए। फॉर मीडियम हाई एंड एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कंज्यूमर शुड हैव सेपरेट अर्थिंग इन एडिशन टू प्रोवाइडेड फ्रॉम सप्लाई कंपनी। अभी एक बार समझिए कि अर्थिंग आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, और इवन कॉमर्शियल के लिए तो ऐसा है कि मोर देन वन प्लेसेस पे आपको अर्थिंग प्रोवाइड करना चाहिए, किसी वजह से एक अर्थिंग आपका फेल हो गया तो दूसरा अर्थिंग है उसकी वजह से आपका जो सप्लाई है वो सेफ रहे और कोई फॉल्ट और कोई एक्सीडेंट से आप बच पाए। एवरी 5 ईयर इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज टू बी डन विथ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर बाय कंज्यूमर। आपका जो इंस्टॉलेशन है वो हर 5 साल में उसका रिव्यू होना चाहिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन आपका अप्रूव जो सही है या नहीं, आपने कुछ मॉडिफिकेशन किया है या जो है ऑलरेडी उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो इस प्रकार आपको एवरी 5 ईयर्स चेंज करना है। ये एक्चुअली काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है, कई बार इसका ड्यूरेशन चेंज होता है कंपनी की कन्वीनियंस के हिसाब से, और गवर्नमेंट भी कई बार उसको अप्रूव करती है, लेकिन करा लेना बेहतर है तभी आप अच्छे से अपने कैंपस को रन कर पाओगे। एस सेक्शन 26, मोर देन वन सेल्स आर प्रोवाइडेड एट कट आउट एंड एनर्जी मीटर। आपका जो एनर्जी मीटर है कहीं भी, ये तो डोमेस्टिक में भी अप्लीकेबल रहेगा, तो वहाँ पे मोर देन वन सेल जो कंपनी प्रोवाइड करती है, एक सेल नहीं होता, तो जिस प्रकार अगर कोई थेफ्ट होता है कोई वहाँ पे अगर कोई बिजली चोरी कर रहा है तो सप्लाई कंपनी को पता चल जाएगा कि यहाँ पे सील ब्रोकन है, तो ये एक बड़ी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल थेफ्ट से भी आपको बचना है और उसके लिए आई रूल्स ऑलरेडी प्रोविजन किए हैं। आगे बढ़ते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कंसिडरिंग यूसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आपको एग्जाम में जीटीयू में कई बार पूछते हैं कि आपका लेटर से के सेमिनार हॉल के इल्यूमिनेशन की रिक्वायरमेंट कीजिए, हॉस्पिटल के या फिर हॉस्पिटल के इलेक्ट्रिफिकेशन की रिक्वायरमेंट कीजिए। तो एक बात समझिए, आप कोई भी बिल्डिंग, लेटर से आप डिजाइनर है, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है,
और आपको मैंने बोल दिया कि आपको एक मकान के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन डिजाइन करना है, तो आपको पता है कि उस जो एरिया है, जो आपका स्पेस है, उसका यूटिलाइजेशन घर के लिए होने वाला है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करोगे। आपको अगर मैंने वही चीज, लेट अस से थोड़ा सा बड़ा एरिया है, मैं बोल रहा हूँ कि आपको लेट अस से कि हॉस्पिटल के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन डिजाइन करना है, तो वहां पे आपके सारे प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगे, आप काफी सारे स्पेशल प्रोविजन रखेंगे। तो किसी भी प्रकार अगर आपको पूछा गया कि लेट अस से कि आप ये एरिया को इस यूसेज के हिसाब से डिफाइन कीजिए, या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन प्रिपेयर कीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन डिजाइन प्रिपेयर कीजिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली सोचना है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेटेस्ट से यहाँ पे कुछ दिख रहा है कि ये सेमिनार हॉल किसी कॉलेज वगैरह का लग रहा है, यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग जो हमारा होता है वो लग रहा है, ये एक्चुअली ऑडिटोरियम कह सकते हैं हम इसको, हमारे सिटीज़ में भी होता है जिसको हम नगर हॉल कहते हैं। और ये आपका होटल्स है, होटल्स में आप देखते हो चक्का चौंध होती है, आप जाते हो ऐसे ही आपको लगता है यहाँ पे कुछ दिन रह जाए। और मॉल, शॉपिंग मॉल आप जाओ तो काफ़ी सारे शॉपिंग मॉल अभी तो बन रहे हैं, मल्टी स्टोरीड है, काफ़ी सारा अट्रैक्शन लगा होता है, इलेक्ट्रिफिकेशन की ही वजह से वो पॉसिबल हो पाता है, अदरवाइज आप कितना भी कर लो वहाँ पे अट्रैक्शन नहीं रहेगा। और जो लास्ट है अस्पताल, ये भी अभी 5 स्टार हो गए अस्पताल, क्योंकि पब्लिक देखते हैं, कोई भी किसी को ऑपरेशन करवाना होता है तो देखेंगे यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ है, क्या है, किस प्रकार ये लोग मेंटेन करते हैं, तो वो भी एक 5 स्टार हॉस्पिटल ही बोल सकते हो आप। पब्लिक हॉस्पिटल कोई भी हो, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, लेकिन उसकी फैसिलिटीज़ देख के बंदा वहाँ पे एडमिट होता है, तभी उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो हम ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको कहा गया कि लेट अस से के सेमिनार हॉल के बारे में इलेक्ट्रिफिकेशन डिज़ाइन कीजिए, ऑडिटोरियम के बारे में, शॉपिंग मॉल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, होटल के बारे में, तो आपको क्या क्या चीज़ें कंसिडर करके लिखना है वो हम अभी देखेंगे। इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ गिवन एरिया ऑफ स्पेसिफिक यूसेज, ये जो टाइटल है ये मैंने जनरल दिया है, आपको एग्जाम में कभी पूछेंगे कि सेमिनार हॉल के बारे में इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट लिखिए, शॉपिंग मॉल के बारे में लिखिए, होटल्स के बारे में लिखिए। तो आप एक बात समझिए, किसी भी जगह का जो इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो 4 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जनरल रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट। तो इस प्रकार आपको हर बिल्डिंग के बारे में जब आपको पूछा जाएगा तो आपको ये 4 चीज़ें सोचनी है कि जनरल क्या है वहाँ पे, वहाँ पे स्पेशल क्या है, वहाँ पे एसेंशियल क्या है और वहाँ पे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट कौन सी रहेगी। तो देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चरल हॉल। अभी कल्चरल हॉल आपको पता है कि वहाँ पे स्टेज होगा, वहाँ पे कुछ टाउन हॉल आपके सिटी का है तो वहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स होंगे तो पब्लिक इकट्ठा होगी, तो वहाँ पे आप जाओगे जैसे सोचोगे कि टाउन हॉल और कल्चरल हॉल, तो आपको पूरा सोचोगे ऐसे ही अलग आपके सामने पूरी फ्रेम आ जाएगी। तो आपको वो फ्रेम याद करके सोचना है कि आपको वहाँ पे क्या इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए अरेंजमेंट करनी रहेगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। जनरल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चर हॉल फ्रॉम इलेक्ट्रिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अभी जनरल रिक्वायरमेंट देखेंगे कि वहाँ पे जनरल क्या होता है। तो एंट्रेंस होता है, रिसेप्शन होती है, बुकिंग ऑफिस, जहाँ पे अगर कोई पेड इवेंट है तो आपका रिसेप्शन रहेगा, बुकिंग ऑफिस वहाँ पे रहेगा, वेटिंग रूम रहेगा, कई बार बाहर ओपन एरिया होता है, वेटिंग रूम होता है, अंदर नहीं जा रहे बंदे, बाहर वेट कर रहे हैं, तो वहाँ रहेगा मैनेजर रूम, कहाँ जहाँ भी टाउन हॉल होता है वहाँ मैनेजर रूम होता है, जो पूरी इवेंट को के लिए आप कभी भी उसको अप्रोच कर सकते हो। वॉशरूम एरिया होता है, जहाँ पे पब्लिक इकट्ठा होती है वहाँ वॉशरूम एरिया जनरल रिक्वायरमेंट रहेगा। पार्किंग है, गेट एंड एंट्रेंस लाइटिंग, आपके रात के समय अगर कोई इवेंट है तो आपको गेट और एंट्रेंस की पूरी लाइटिंग की अरेंजमेंट करनी रहेगी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट डेफिनेटली, ये इलेक्ट्रिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सिक्योरिटी कैबिन भी बनाना रहेगा वहाँ पर, इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए डिज़ाइन करना रहेगा, इस वजह से लिखा है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये चीज़ में इलेक्ट्रिफिकेशन की कहाँ रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप अगर ध्यान से सोचोगे तो यहाँ पे भी आपको कुछ लाइटिंग लोड लगाना रहेगा। कैफेटेरिया, खाने के लिए वहाँ पे पब्लिक आएगी, इकट्ठा होगी, जाना है।
सर्कुलेशन एरिया, ओपन एरिया, पैसेज एरिया जिसको हम कहते हैं सर्कुलेशन एरिया, वहाँ पे पब्लिक घूमेगी ऐसे ही कभी कुछ काम नहीं है तो। और ग्राउंड लाइटिंग, आपके जो पूरा पैसेज है ओपन है, ग्राउंड मैदान जो पूरा है बिल्डिंग के बाहर वाला एरिया, तो वहाँ पे लाइटिंग, ये सारी चीज़ें जनरल में आती हैं। तो ये जनरल रिक्वायरमेंट है आपके कल्चरल हॉल के लिए। स्पेशल रिक्वायरमेंट हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेशल क्या रहेगा। अभी आप देखिए तो हॉल है, वो हॉल का पूरा लाइटिंग वो स्पेशल आपके लिए रहेगा। स्टेज और स्क्रीन का वहाँ पे लाइटिंग, क्योंकि आप देखोगे वहाँ पे डिम करते हैं, कभी भी लाइट ऑफ कर देते हैं, तो फोकस लगाते हैं, तो काफ़ी सारा आपको लाइटिंग के लिए अरेंजमेंट करना रहेगा। स्टेज और स्क्रीन वहाँ की स्पेशल रिक्वायरमेंट है। एंट्रेंस एंड एग्जिट डोर, अंधेरे के समय, क्योंकि पूरा जब शो चल रहा है आपका तो अंधेरा रहेगा, तो एग्जिट और एंटर लिखा होता है, तो वो आपका जो है वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है वो डोर्स। प्रोजेक्टर रूम है, जहाँ से अगर आप कुछ रील चला रहे हैं तो प्रोजेक्टर रूम आपका रिक्वायरमेंट स्पेशल हो जाएगा। रेक्टिफायर रूम, आपका पावर कंट्रोल के लिए जो कंट्रोल रूम आप कहेंगे उसको रेक्टिफायर रूम भी आप कह सकते हो। इमरजेंसी लाइटिंग, आपका इमरजेंसी लाइटिंग डेफिनेटली, कभी पे कुछ पावर कट ऑफ हुआ तो इमरजेंसी लाइटिंग एटलीस्ट होना चाहिए, तो जिससे पब्लिक वहाँ से इजीली बाहर निकल पाए। और फुट लाइट्स रोज होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कौन सी रो में बंदे को किस चेयर में जाके बैठना है वो उसको लाइट से ही पता चलेगा, तो वो फुट लाइट आपकी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कल्चरल हॉल के लिए। और लाइटिंग्स इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स एज पर लोकेशन रिक्वायरमेंट, आपके जो डिफरेंट डिफरेंट आपका लाइटिंग का कॉम्बिनेशन करना रहेगा अकॉर्डिंग टू लोकेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो स्पेशल है। आप जब फील्ड पे जाके, अब कभी नेक्स्ट टाइम आप थिएटर में या टाउन हॉल में जाओ तो आप ध्यान से देखना कि वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन के रिलेटेड क्या चीज़ों का प्रोविज़न किया गया है। तो आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ कल्चरल हॉल। अभी एसेंशियल देखेंगे, आगे हमने जनरल देख लिया, स्पेशल देख लिया, अभी एसेंशियल देखते हैं। तो फैन और एग्जॉस्ट फैन रहेगा, अभी तो काफ़ी सारा एसी लगा होता है, लेकिन अगर जनरल है, टाउन हॉल सिंपल है, तो वहाँ पे एग्जॉस्ट फैन रहेगा, एसी रहेगा डेफिनेटली, अभी तो पूरा सेंट्रल एसी रहता है। लोकेशन एंड हाइट ऑफ फैन आपको कंसिडर करना रहेगा, क्योंकि काफ़ी ऊंची हाइट की आपका बिल्डिंग रहेगा, जो सेमिनार हॉल है आपका, जो इसको हॉल है वो काफ़ी हाइट पे रहेगा, तो वहाँ पे फैन आप जो अपने घर में लगाते हो इतनी हाइट पे नहीं लगा पाओगे, तो आपको स्पेशल वहाँ पे प्रोविज़न करना रहेगा। और साउंड सिस्टम डेफिनेटली वहाँ पे इको नहीं होना चाहिए, वो इलेक्ट्रिफिकेशन के रिलेटेड भी हो और कुछ उसका पोर्शन मैकेनिकल भी है, तो आपको वो सारा कंसिडर करना रहेगा। और लास्ट वन, इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, जहाँ भी पब्लिक आती है वहाँ पे आपको इमरजेंसी रिक्वायरमेंट कंसिडर करना रहता है। तो इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में आपको सेफ्टी नॉर्म्स एज पर आई रखना होता है कि काफ़ी सारे, तो इमरजेंसी में आपका सारे इमरजेंसी आगे लेटर से एस्केप रूट के लिए इमरजेंसी लाइट हो गया, या फिर फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, एज पर द बिल्डिंग रिक्वायरमेंट आप रख सकते हो। इमरजेंसी सप्लाई फॉर स्पेसिफिक लोकेशन, मैं जैसे कह रहा हूँ एस्केप रूट के लिए आपको इमरजेंसी सप्लाई रखना पड़ेगा, जैसे कभी कुछ पावर कट ऑफ हो गया, कोई नेचुरल कैलमिटीज हो गई, तो वहाँ पे निकलने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी। और फायर फाइटिंग सिस्टम जो है, फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कभी हो गया, कभी कुछ दूसरा कुछ प्रॉब्लम हुआ, तो वहाँ पे आपको फायर फाइटिंग सिस्टम रखना पड़ेगा। और लाइटिंग ऑन इमरजेंसी रूट्स, इमरजेंसी रूट्स जैसे मैंने बताया, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है। तो ये इमरजेंसी, जैसे मैंने बताया, चार चीज़ें हैं, जनरल है, स्पेशल है, एसेंशियल है और इमरजेंसी। ये हमने देखा कल्चरल हॉल के बारे में, आपको इलेक्ट्रिफिकेशन में क्या चीज़ें कंसिडर करनी रहती है। अभी इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट होटल के लिए क्या रहता है। हमको पता है होटल में काफ़ी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया रहता है, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है, तभी आप वहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन सक्सेसफुली कर पाओगे। तो देखते हैं, अभी आपको जीटीयू में क्वेश्चन ऐसा पूछेंगे, एक्सप्लेन डिफरेंट इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट फॉर होटल। तो अभी देखो यहाँ पे मैं जो भी लिखूँगा वो जनरल, स्पेशल, एसेंशियल और इमरजेंसी के तौर पे नहीं लिखूँगा, यहाँ पे सिंपली मैं समराइज करता हूँ, आपके ऊपर छोड़ता हूँ,
आप अपनी तरह से उसको बाइफरकेट कीजिए, बैलेंस ऑल थ्री फेज सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, वेंटिलेशन एंड एग्जॉस्ट, किचन एंड कुकिंग एरिया, कोल्ड स्टोरेज, हेल्थ क्लब, कैफेटेरिया एंड रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल एंड फिल्ट्रेशन प्लांट, इंटीरियर लाइटिंग, इंटरकॉम, अनाउंसमेंट सिस्टम, साउंड सिस्टम, फायर अलार्म, स्मोक डिटेक्टर, एलिवेटर, पार्किंग एंड लाइटिंग, सर्कुलेशन एरिया एंड लाइटिंग एंड इमरजेंसी सप्लाई सिस्टम। अब यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आप उसको अपनी तरह से जो चार है, जनरल रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट, उसमें बाइफरकेट कीजिए। अगर कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई है तो आप उसको ऐड कीजिए, ये आपके लिए एक काम है। तो इस प्रकार आपको GTU में पूछेंगे कि होटल के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कीजिए। सेफ्टी मेजर्स इन शॉपिंग मॉल। GTU के एग्जाम में कई बार पूछते हैं कि शॉपिंग मॉल के लिए आप क्या इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर या फिर सेफ्टी मेजर लेंगे, तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे हम क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक्सप्लेन अबाउट इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स इन शॉपिंग मॉल। तो आपको लिखना है, फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन फॉर सेफ्टी इन मॉल। ऑल प्रोविजन बाय आई रूल्स 90-15-6 एंड NBC शुड बी फॉलोड। सबसे पहली और बेसिक चीज़ है, आपको आई रूल फॉलो करने हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड फॉलो करना है। सेकंड है, अप्रूवल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर शुड बी टेकन बिफोर कंप्लीशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन। आपको यूज़ करने से पहले, आपका जो प्रीमाइसिस है उसका यूज़ करने से पहले आपको इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर की परमिशन लेनी रहेगी कि आपने सारे सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए हैं। ये दो बेसिक चीज़ें, अगर ये किया है तो आपने सब किया है, लेकिन फिर भी हम लोग समराइज करेंगे। यूज़ ऑफ IS क्वालिटी वायर केबल्स प्रोटेक्टेड डिवाइस एज पर रेटेड लोड। आपको जो लोड है, आपका इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ कर रहे हो, आपके केबल्स यूज़ कर रहे हो, जो सारे आपके कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हो, प्रोटेक्टेड डिवाइस यूज़ कर रहे हो, वो सारे स्टैंडर्ड क्वालिटी के रहने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो प्रॉपरली उस वर्क नहीं करेंगे और आपके जो सर्किट है आपको वहाँ पे कुछ शॉर्ट सर्किट का फॉल्ट हो सकता है या कुछ अदर फॉल्ट हो सकते हैं, जिससे आपके इंस्टॉलेशन को प्रॉब्लम हो सकती है। लोड शुड बी बैलेंस्ड फॉर ऑल थ्री फेज। मैंने बताया जैसा कि आपके तीन फेज है, तीनों फेज पे सेम लोड, ऑलमोस्ट सेम, सिमिलर इक्वल लोड आपका होना चाहिए, तभी आपकी बैलेंस लोड होगा और तभी आपकी सर्किट प्रॉपरली वर्क करेगी। कोई ऐसा होगा, कोई सर्किट ओवरलोड हो गई, कोई सर्किट अंडर लोड हो गई, तो वो प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन डिजाइनिंग नहीं है, प्रॉपर आपका डिजाइनिंग नहीं है। तीनों फेज को एक सा ही लोड देना है, प्लस माइनस थोड़ा चलता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लेट अस से 99 kW कर रहे हो तो एक पे 50 दे दिया, बाकी में लेट अस से 40 दे दिया और बाकी बचा उसमें 9 दे दिया, तो दैट इज़ नॉट द वे। आपको तीनों फेज को सिमिलर रखना है, लोड तीनों फेज का बैलेंस करना है। सेपरेट मिनिमम टू अर्थिंग शुड बी प्रोवाइडेड एज पर आई रूल। आपका जो अर्थिंग है वो दो जगह कम से कम होना चाहिए, तो जिससे आपका प्रीमाइसिस बड़ा है, कभी एक अर्थिंग में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपका दूसरा अर्थिंग है वर्क करता है, तो आपको ये अर्थिंग करना है दो जगह और उसको कुछ कुछ समय के बाद चेक भी करना है कि आपका अर्थिंग वर्क करता है नहीं, उसको री अर्थिंग भी कुछ सालों में करना पड़ता है। फायर अलार्म एंड स्मोक डिटेक्टर शुड बी इंस्टॉल्ड एट अप्रोप्रिएट लोकेशन इन रिक्वायर्ड नंबर। आपका बहुत बड़ा प्रीमाइसिस है, बहुत सारी पब्लिक आएगी, शॉपिंग मॉल है, तो फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर आपको वहाँ पे प्रॉपर लोकेशन सिलेक्ट करके वहाँ पे लगाना है। आगे देखते हैं, प्रोविजन ऑफ इमरजेंसी सप्लाई शुड बी प्रोवाइडेड। आपको इमरजेंसी सप्लाई के लिए प्रोविजन रखना है, क्योंकि इमरजेंसी सप्लाई होगा तो आपका जो प्रोसेस है, पूरा दिन जो आपका बिजनेस है वो कंटिन्यू रन होगा। अगर लाइट चले गई, आपने इमरजेंसी सप्लाई अरेंज नहीं किया, तो आपका पूरा शटडाउन हो जाएगा, तो वहाँ पे बहुत कैओस हो जाएगा, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा देर रह नहीं पाएगी। इमरजेंसी लाइट शुड बी प्रोवाइडेड इन ऑल इमरजेंसी एग्जिट रूट।
ये कुछ जगह होता है कि बहुत बड़ी होता है, बाहर निकलने के लिए कभी कुछ प्रॉब्लम आ गई तो वहाँ बाहर निकलने के लिए एग्जिट रूट पे इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए। वैसे तो पूरा डिजी सेट ही होना चाहिए शॉपिंग मॉल में, जिसकी वजह से आपका जो लोड है वो कंटिन्यूअसली 100% एफिशिएंसी के साथ चल पाए, तभी आपका कमर्शियलाइजेशन एक्टिविटीज सारी सक्सेसफुली रन होगी। इन केस ऑफ सेपरेट सब स्टेशन ऑल द रिक्वायर्ड नॉर्म शुड बी फॉलोड। सेपरेट सब स्टेशन के बारे में काफ़ी सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उसकी पूरी गाइडलाइन आपको 70-80 पेज की मिल जाएगी आई रूल्स की, तो आपको वो सारे प्रोविजन फॉलो करने रहेंगे। कंडक्टर्स हैं और केबल इनसाइड ट्रेंचेस शुड बी माउंटेड विद इंसुलेटेड ट्रैक्स एंड अदर सपोर्ट्स। आपका वहाँ पे ट्रेंच में जो केबल जाएंगे तो पूरा इंसुलेटेड होना चाहिए, वहाँ पे एक्सीडेंटली किसी का पैर नहीं पड़ना चाहिए, किसी वहाँ पे एक्सीडेंटली कुछ ब्रेक नहीं होना चाहिए, इस प्रकार आपको अरेंजमेंट करना है। केबल लेइंग मेथड्स में हम ये पढ़ चुके हैं। ईच फाइनल सब सर्किट फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड शुड बी कंट्रोल्ड बाई सिंगल पोल स्विच। सब सर्किट का मतलब भी ये है कि आपको सिंगल पोल स्विच से पूरा ग्रुप को कंट्रोल करना है, तो जितने भी आपके लेटर से पूरे कॉम्प्लेक्स में 500 600 जितने भी सब सर्किट बने सबको इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड डिवाइस से प्रोटेक्ट करना है हर सब सर्किट को। पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ इंस्टॉलेशन शुड बी डन बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी। आपका जो भी इंस्टॉलेशन है उसका पीरियोडिक वेरिफिकेशन जो टेस्ट होना चाहिए वो ज़रूरी है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एजेंसी से आपको करवाना रहता है। तो ये सारे प्रिकॉशंस है आपको शॉपिंग मॉल में लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नेसेसिटी ऑफ डिजिसेट फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में डिजिसेट की क्या रिक्वायरमेंट है? आपने इस तरह से ये जो फोटो दिख रहा है ऐसा देखा होगा, जहाँ भी आप कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की विजिट में जाते हो तो वहाँ पे आपको इस प्रकार बॉक्स दिखता होगा, वो हमको पता है वो डिजिसेट है। एज एन इंजीनियर हम उसको बॉक्स नहीं कह सकते, वो डिजिसेट है। तो नेसेसिटी का मतलब के उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। व्हाट इज नेसेसिटी ऑफ डिजिसेट इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स? आपको जीटीयू एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं। कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आर फ्लडेड विथ बिग अमाउंट ऑफ पीपल इन डेली रूटीन। रोज 10 से 15 हज़ार 20 हज़ार 25 हज़ार लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल कॉम्प्लेक्स में आते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आने जाने रहता है बहुत ज़्यादा लोगों का, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ऑन फेलियर ऑफ मेन सप्लाई देर विल बी कियोस्क इन द कॉम्प्लेक्स एंड डिस्टर्ब द कमर्शियल एक्टिविटीज़। आपका जो बेसिक एम है कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, जो कमर्शियलाइजेशन है, जो बिजनेस है, वो वहाँ पे फॉल हो जाएगा और कैओस हो जाएगा। अगर लाइट जाती है पूरा कॉम्प्लेक्स लेटर से कि आप गए हो मॉल में और वहाँ पे पूरा बंद हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। टू ओवरकम सच इंसिडेंट्स डिजिसेट इज प्रोवाइडेड इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस विच हैव द फॉलोइंग नेसेसिटी। तो डिजिसेट हमको लगाना रहता है, तो डिजिसेट लगाने के लिए हमको इतनी चीज़ों का प्रावधान यानी व्यवस्था करनी रहती है। ऑटोमेटिक स्टार्टर यानी आप वहाँ पे चेंज ओवर स्विच ऑटोमेटिक लगा दोगे तो मैनुअल भी रहता है और ऑटो भी रहता है, दोनों रहता है, तो अगर पावर सप्लाई कट ऑफ होता है तो वो आपको ऑन कर सकते हो। इंस्टेंट सप्लाई टू लोड आपका अप्रोक्सीमेट 60 सेकंड का चेंज ओवर टाइम रहता। और 2 आवर्स फ्यूअल स्टोरेज फैसिलिटी, आपका 2 घंटे का फ्यूअल स्टोरेज फैसिलिटी रहना चाहिए, जिससे आपका जो 2 घंटा है वो आपका लोड सेटिस्फाई हो जाए। और इंस्टॉलेशन ऑफ ऑयल एंड गैस जनरेटर इज डन एज पर IS 3034 इन व्यू ऑफ फायर सेफ्टी। जहाँ पे ऑयल और गैस जनरेटर यूज़ किया रहता है वहाँ पे आपको फायर सेफ्टी का जो नॉर्म है 3034 IS वो आपको फॉलो करना रहता है। तो ये है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के लिए डिजिसेट की रिक्वायरमेंट या नेसेसिटी। तो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लॉक फॉर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सारा ही पता है। एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लॉक यूज्ड एट एंट्रेंस ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस। आप जब भी कहीं ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉक या काफ़ी जगह अब तो अटेंडेंस भी ऑनलाइन रहती है, तो ऑफिसेज में तो कार्ड रहता है, पंचिंग रहता है, फेस रहता है, तो वहाँ पे यहाँ पे इसको हम सिर्फ समराइज करेंगे।
Electrical safety locks are operated by electrical circuit. They may be connected with direct lock. वो डायरेक्ट लॉक से कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से वो ऑपरेट होते हैं. इट इज़ कनेक्टेड एंड एक्सेस बाय कंट्रोल सिस्टम. वो सारा सेंट्रली कंट्रोल होता है. कई बार उससे आपकी अटेंडेंस भी, डेली अटेंडेंस भी काउंट होती है. मोटर इज यूज टू ऑपरेट सोलेनोइड, मैग्नेट और लॉक. काफ़ी सारी जगह पे आपका मोटर यूज़ होते हैं, सोलेनोइड यूज़ होते हैं, मैग्नेट यूज़ होते हैं, और लॉक भी अगर फिजिकल है, मैकेनिकल है, वो भी यूज़ हो सकता है. वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लॉक हम सिर्फ यहाँ पे समराइज करेंगे, क्योंकि आप इस चीज़ों से भली भांति अवगत है, आप इसको जानते हैं. मैग्नेटिक लॉक, मैग्नेटिक लॉक आप रूटीन में यूज़ करते हो. न्यूमेरिकल कोड, पासवर्ड, जहाँ पे आप पासवर्ड डालते हो, ये मोबाइल में हम लोग यूज़ करते हैं. इस प्रकार आपके डोर लॉक में भी हो सकता है. सिक्योरिटी टोकन, तो एक कार्ड रहता है, सिक्योरिटी टोकन रहता है, उससे आप एंटर और एग्जिट कर सकते हो. बायोमेट्रिक, आपका थंब इम्प्रेशन या फिंगर इम्प्रेशन रहता है. और फेस रिकग्निशन, तो फेस रिकग्निशन भी एक चीज़ है जिसमें कोई माल फंक्शन इनका पॉसिबिलिटी कम रहता है. तो ये जो सारे लॉक्स हैं, आप जानते हैं, आपने काफ़ी सारे जगह पे यूज़ किया है. ये कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में, ऑफिसेज में ज़्यादातर, मॉल्स में आपका डोर जो होता है, जो आपके काफ़ी प्रकार के डोर होते हैं, वो डोर भी सेफ्टी लॉक के साथ में यूज़ किए रहते हैं. तो ये सारा आपका लॉक रहेगा. ये सिंपल है, इसमें हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे. अभी एक जनरल क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन फॉर कमर्शियल बिल्डिंग. कमर्शियल बिल्डिंग में आपको क्या क्या कंसिडर करना रहेगा. कई बार ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो हम एक समराइज यहाँ पे करें. कंसिडरेशन फॉर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग. इन जनरल हम लोग इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे. लाइटिंग एंड पावर सब सर्किट कमर्शियल में रेजिडेंशियल से थोड़ा ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं, और फ्यूचर एक्सपेंशन भी कंसिडर करेंगे. साइज रेटिंग, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड. एरिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा एरिया है. आपका सर्कुलेशन एरिया भी इतना ही बड़ा होगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड और सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अकॉर्डिंगली आपको एरिया के हिसाब से, और वहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग में क्या क्या उसकी एक्टिविटीज़ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको रखना पड़ेगा. साइज ऑफ केबल डेफिनेटली आपको थोड़ा अलग रहेगा, डोमेस्टिक जैसा नहीं रहेगा. ज़्यादा पावर रेटिंग का मेन केबल रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन और सब डिस्ट्रीब्यूशन में अकॉर्डिंगली जो आपको केबल और वायर है वो पसंद करने रहेंगे. साइज ऑफ कंड्यूट्स वायर्स के लिए आपको अलग सिलेक्ट करना रहेगा. प्रोटेक्टिव डिवाइस की हम बात करें, प्रोटेक्टिव डिवाइस आपकी हर सब सर्किट में आपकी प्रोटेक्टिव डिवाइस इंडिविजुअल आएगी, जो डोमेस्टिक में होता है इसी प्रकार. और अर्थिंग का हम डेफिनेटली आपको मुझे पता है, जैसे मोर देन वन प्लेस, आपको दो या उससे ज़्यादा प्लेस पर अर्थिंग करना रहेगा. फ्यूचर एक्सपेंशन आपको कंसिडर करना है, क्योंकि कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ है, बढ़ सकती है. और अप्रूवल फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर आपके लिए कंसिडरेशन है, और आपके इलेक्ट्रिकल फिटिंग और उसका पावर कंजम्पशन भी आपके लिए बहुत मायने रखता है. तो ये सारी चीज़ें आपको जनरल हमने समराइज़ किया है कि कमर्शियल बिल्डिंग में हमको किस चीज़ों का ख्याल रखना होता है. एग्जाम्पल फॉर हॉस्टल बिल्डिंग, इस प्रकार की आप बिल्डिंग से काफ़ी तरह परिचित होंगे. हॉस्टल बिल्डिंग है, हमारे कैंपस में रहती है. तो आपको वहाँ का एक एग्जाम्पल, GTU में यूनिवर्सिटी हर बार पूछती है, तो हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे सिंपल एग्जाम्पल देख लेते हैं. अ थ्री स्टोरीज हॉस्टल बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 45 लैंप, 15 फैंस एंड 10 5 एम्पियर सॉकेट ऑन ईच फ्लोर. एक 3 फ्लोर की आपके पास हॉस्टल बिल्डिंग है, वहाँ पे हर फ्लोर पे 45 लैंप्स, लैंप्स या तो ट्यूबलाइट आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, 15 फैंस एंड 10 5 एम्पियर सॉकेट्स है. अभी इन चीज़ों के रेटिंग नहीं दिए. रेटिंग का हमने आगे काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि आपको अपनी समझ के हिसाब से रेटिंग कंसिडर करना है, अगर आपको नहीं दिया गया है तो. तो ये 3 चीज़ें हैं, लैंप है, फैन है और 5 एम्पियर सॉकेट है, हर फ्लोर पे आपको दिए गए हैं.
तो आपको क्या ढूंढना है, ये पांच चीजें आपको ढूंढनी है। टोटल लोड ऑन ईच फ्लोर, हर फ्लोर पे कितना लोड रहेगा। टोटल लोड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, आपकी पूरी तीन फ्लोर की बिल्डिंग का इंस्टॉलेशन का लोड कितना है। डिसाइड नंबर ऑफ सब सर्किट ऑन ईच फ्लोर, हर फ्लोर की सब सर्किट कितनी रहेगी। डिसाइड साइज ऑफ मेन स्विच, मेन स्विच का साइज रेटिंग क्या रहेगा। और डिसाइड साइज ऑफ मेन स्विच ऑन ईच फ्लोर, आपका हर फ्लोर पे मेन स्विच का रेटिंग क्या रहेगा। टोटल रेटिंग और हर फ्लोर का रेटिंग 4 और 5 इस प्रकार अलग है। तो आगे देखते हैं, वन बाय वन देखेंगे। टोटल लोड ऑन ईच फ्लोर, आपको पता है 45 लैंप्स है। तो अभी हम CFL कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि CFL है, तो CFL 45 मल्टीप्लाई बाई 20 वॉट कंसिडर करेंगे। 45 क्योंकि ईच फ्लोर का हम कंसिडर करें, यहाँ पे ईच फ्लोर का ही गिन रहे हैं। 45 मल्टीप्लाई बाई 20, 15 पंखे है, एक पंखे का वॉट हम 60 वॉट कंसिडर करते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 60। और 10 5 एम्पियर के सॉकेट है, 5 एम्पियर का सॉकेट है तो उसको हम लोग 100 कंसिडर करते हैं। ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल है। आपको अलग प्रकार कई बार लोड दिया गया, सर्कुलेशन एरिया दिया गया हो, एसी दिया है, 15 एम्पियर प्लग दिया है, तो पूरा एग्जांपल ही बदल जाएगा। लेकिन जनरली आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस प्रकार के एग्जांपल नहीं आते हैं, आपको इस प्रकार के एग्जांपल लेबोरेटरी सेशन में गिनने होते हैं। तो इसका हम आंसर लाएंगे 900 प्लस 900 प्लस 1000 वाट, माने 2.8 किलोवाट, यानी हर फ्लोर पे 2.8 किलोवाट का लोड है। तो टोटल हमारी जो बिल्डिंग है, हम सर्कुलेशन एरिया यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तीन फ्लोर है, तो टोटल लोड ऑफ इंस्टॉलेशन हमको ढूंढना है, वो देखते हैं। टोटल लोड ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन 2800 मल्टीप्लाई बाय 3, एक फ्लोर का 2800, तो मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा 8400। तो यहाँ पे क्या होगा, 8.4 किलोवाट। तो आपका टोटल लोड 8.4 किलोवाट हो गया, 6 किलोवाट से ज्यादा है, वो आपको ध्यान रखना है। नंबर ऑफ सब सर्किट ऑन ईच फ्लोर, अभी ईच फ्लोर आपका 2800 है, आपको उसको सब सर्किट में डिवाइड करना है। ये आप अपनी तरह से कर सकते हैं, जरूरी नहीं आप ये एग्जांपल को ही फॉलो करें। 8 से 10 पॉइंट या 800 वोल्ट को आप कंसिडर करोगे। तो आपको पता है 45 लैंप है, 15 फैन है और 10 5 एम्पियर के प्लग हैं, तो टोटल 70 पॉइंट हो गए। तो हम लोग 70 बाय 8 करेंगे तो 8.75, तो इसका मतलब 9, हर सब सर्किट में हम 9 पॉइंट लेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो 9 से कम भी ले सकते हो आप। आपको डिवाइड करना है, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस प्रकार का एक एग्जांपल हमने दूसरी वीडियो में देखा है, तो आपको ये टास्क अपनी तरह से करना है। मैक्सिमम 9 पॉइंट और आपका जो पावर कंजम्पशन है 800 वॉट के हिसाब से आपको लेना है। डिसाइड साइज ऑफ मेन स्विच, मेन स्विच की साइज, माने आपका 8.4 किलो वॉट है तो आपका मेन स्विच का साइज क्या रहेगा। 8.4 थ्री फेज आएगा, 6 किलो वॉट से बढ़ गया, तो √3 VI cos φ, पावर फैक्टर 0.8 हम लोग कंसिडर करते हैं। 8400 डिवाइडेड बाई √3 415 वॉल्ट और 0.8 आपका पावर फैक्टर, तो इसका आंसर आएगा 14.62 एम्पियर। तो आप 16 एम्पियर ICTP यूज करोगे, ट्रिपल पोल स्विच यूज करोगे। ये आपका मेन स्विच हो गया, पूरी हॉस्टल बिल्डिंग के लिए मेन स्विच। आगे बढ़ते हैं, अभी इस फ्लोर पे मेन स्विच का रेटिंग क्या आएगा। तो वो तो सिंगल फेज होगा, 2800 डिवाइडेड बाय 230, यहाँ पे VI cos φ नहीं लगेगा, तो 12.17 एम्पियर आएगा। तो हर फ्लोर पे 16 एम्पियर का ICDP लगेगा। तो इस प्रकार आपका ये भी हो गया कि आपका ये फ्लोर पे कितना मेन स्विच का रेटिंग क्या आएगा। टोटल बिल्डिंग का हमने आगे देखा और मेन हर फ्लोर का यहाँ पे देखा। तो इस प्रकार आपको एग्जांपल गिनना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे इस प्रकार हम और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।